Very good morning to your maths class once again to all the first class students. So students, आज मैं आपको एक story बताती हूँ and then you listen to it carefully and answer me back. Okay? So yesterday ma'am market गई थी. Okay? And ma'am वहाँ से बहुत सारी shopping करके आई, जिसमें से ma'am books लेके आई, story books लेके आई मैं अपने बच्चों के लिए. I have two kids, तो उन दो बच्चों के लिए मैं स्टोरी बुक्स लेके आई. सो मैम स्टोरी बुक्स लेकर आई 11. कितनी स्टोरी बुक्स लेकर आई मैं? 11. सो मेरी बड़ी बेटी आई और उसने फटाफट उसमें से बहुत सारी स्टोरी बुक्स ले ली. उसने उस बैग में से 10 स्टोरी बुक्स जल्दी से ले ली. वो बड़ी है ना, सो उसने जल्दी आई, रेस लगाई एंड शी गॉट हाउ मेनी स्टोरी बुक्स? 10 स्टोरी बुक्स. सो बेटा जी, नाउ टेल मी कि जो मेरा छोटा बेटा है उसके लिए कितनी स्टोरी बुक्स बैग में बच गई? कितनी बच गई बेटा? 11 टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, 10 माय एल्डर डॉटर टुक अवे. नाउ हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट फॉर माय यंगर सन? सो 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1. तो मेरी छोटी बेटी के लिए सिर्फ एक बुक बच गई. तो हम इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन. ओके, सब्ट्रैक्शन हमें किसी भी स्टेटमेंट में जब ढूंढना होता है तो कैसे वर्ड्स लिखे होते हैं? टेक अवे, डिफरेंस एंड लेफ्ट. लेफ्ट मतलब कि आप कितनी चीज़ों के साथ बच गए. टेक अवे, आपसे कोई ले गया. They have taken away these books from you. So how many are you left? So जब आप ऐसे words अपनी statements में देखते हो, book की statements में, तो वो question किसका होता है? Subtraction. Subtraction का मतलब होता है कि वो number को कम कर देगा. Addition मतलब वो number को बढ़ा देगा, increase कर देगा. But subtraction में जो हमारा original number होता है वो कम हो जाता है, लेस, डिक्रीज. ओके, सो यहाँ पे पहले मेरे पास 11 थी, उसके बाद 10 बच गई और उसके बाद और कम हो गई 1 फॉर माय सन. सो दिस इज अबाउट सब्ट्रैक्शन. सो लेट्स गो अहेड विद सब्ट्रैक्शन विद सम मोर केसेस. हमें सब्ट्रैक्शन जब हम 0 to 9 नंबर्स कर रहे थे तब भी हमने छोटे नंबर्स के साथ करा था. So now we are doing it with big numbers. So for example, these are few balls. हम सब बॉल से खेलते हैं ना, क्रिकेट, टेनिस, बहुत सारी बॉल्स होती है, फुटबॉल, हॉकी बॉल, वॉलीबॉल, सो मेनी टाइप्स ऑफ बॉल्स आर देयर, बिग स्मॉल, राइट? सो लेट्स काउंट देम. हाउ मेनी आई हैव मेड? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many balls are there? 12. अब आप लोग खेलते हो ना, खेलते खेलते बॉल गुम हो जाती है. क्रिकेट से जोर से अपने सिक्स से लगाया एंड बॉल गोज अवे एंड देन मम्मा डांटती है ना. सो तो ऐसे ही खेलते खेलते आपने कितनी बॉल्स को गुम कर दिया? 5 बॉल्स. और मेरे माइनस का क्या साइन होता है? ये. तो अब 12 बॉल्स में से 5 बॉल्स हमारी गुम हो गई, तो 5 बॉल्स पे हम कट कर देंगे. 1, 2, 3, 4, 5. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी बॉल्स आर लेफ्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कितनी आपको दिख रही है बची हैं? 7. सो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7. सो बेटा ये इस टाइप की सब्ट्रैक्शन हम जब हम पिक्चर्स से कट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन विद पिक्चर्स. और जब हम ऐसे लिख रहे हैं सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, कि हम ऊपर नीचे लिख के हम आंसर पे आ रहे हैं.
सो लेट्स डू दिस विद वन मोर एग्जाम्पल. ये आप पिक्चर से तो करना बहुत ईजी है, तो हम अब एक और टाइप से करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 15 माइनस 6. तो अभी मैम कोई भी इसमें पिक्चर नहीं ड्रॉ करेगी, हम इसको विद द हेल्प ऑफ क्रॉस आउट. हमने यहाँ पे जैसे पिक्चर्स को क्रॉस करा, तो हम पहले 15 लाइंस बनाएंगे, 15 स्टिक्स बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. बेटा एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, सब्ट्रैक्शन में जब भी आप ऐसे क्रॉस आउट करके कर रहे हो, तो आपको ये जो आप लाइंस बना रहे हो, इनको बनाने में गलती नहीं करनी. बहुत नज़दीक भी नहीं बनाना, बहुत दूर भी नहीं बनाना कि आप लाइंस में पूरा पेपर वेस्ट कर दो, ठीक है. और नज़दीक बनाओगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो ये 15 लाइंस है, एंड देन हाउ मेनी लाइंस यू हैव टू कट. 15 आपने ऊपर बनाई, अब इसमें से आपको 6 लाइंस को कट करना है. तो क्रॉस करते हैं, 1 छोटा छोटा क्रॉस करना बेटा, 2, 3, 4, 5, 6. मैम ने इन 6 को क्रॉस कर दिया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिना क्रॉस करे हुए कितने लाइंस हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9. तो हमने अभी दो तरीके से सब्ट्रैक्शन करी. यहाँ पे हमने पिक्चर्स से करी, और यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, हमने क्रॉस आउट करके भी सब्ट्रैक्शन करी. ओके, एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा नंबर ऊपर आता है, कभी भी छोटा नंबर ऊपर नहीं आता. तो अगर मैं बोल रही हूँ आपको बेटा कि आप 9 माइनस 12 करो, 9 में से 12 माइनस करो, आप ऐसा कर सकते हो? नहीं. तो जो मैम नंबर पहले बोल रही है, मतलब वो बड़ा होना चाहिए. ऑलराइट, सो हमने एक और सब्ट्रैक्शन तब करी थी नंबर लाइन पे. सो सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ऑल राइट, तो ये हमने पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर दी. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 14 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट. तो हमें पता है कि 14 बड़ा नंबर है 7 से, इसलिए मैम ने पहले लिखा है. अब हमें 14 में से कितना माइनस करना है? 7. तो सबसे पहले ही बेटा हम कौन से नंबर पे, हमने पता है कि सब्ट्रैक्शन में हमारा आंसर 14 से कम होगा, 14 से छोटा होगा. तो हमें सब्ट्रैक्शन में पीछे की तरफ आना होता है. जब हम नंबर लाइन के क्वेश्चंस एडिशन में कर रहे थे, उस वक्त हम एडिशन में हम आगे को जंप कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्शन में हम बैकवर्ड जंपिंग करेंगे. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम 14 पे पहुँचेंगे. 14 पे हमने ऐसे हम पहुँच गए, है ना. अभी हमने कितने स्टेप्स पीछे आना है? हाउ मेनी स्टेप्स वी विल गो बैक? 7. तो हम इसी के पीछे ऐसे जाएंगे, 14 से 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. हमने सिर्फ 7 स्टेप्स ऐसे इस तरफ लेने हैं, ठीक है, आगे को नहीं, बैकवर्ड, ठीक है. तो जब हमने बैकवर्ड में 7 स्टेप लिए, तो हम कहाँ पहुँच गए? 7 पे. सो 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7.
तो जब हम ऐसे काउंट लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। और जब हम लिखेंगे 14 - 7 = 7 ऐसे, तो ये होता है वर्टिकल सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम योर बुक। हम आपको, मैं इसमें आप सब्ट्रैक्शन के जो पेजेस हैं, पेज नंबर 63, 64 and 65, आप ये तीनों पेजेस करेंगे, ऑलराइट, एंड यू विल सेंड इट ऑन द ग्रुप। ओके,